हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न विद संजीव सिराना चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, अपने लास्ट क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे थे, आज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियोस जितने भी हमारे 21 पार्ट्स हो चुके हैं, आप देखना वन बाई वन। टेंस की इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट, पास्ट टेंस के चारों पार्ट कर चुके हैं, फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट करेंगे। फिर उसके बाद अपने इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बातें करेंगे। धीरे धीरे इंग्लिश के सारे टॉपिक्स करते जाएंगे। जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमने पैसिव वॉइस और स्पीच के प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है, उनको देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फुल सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम आपको नई नई चीजें अवेलेबल करवाते रहेंगे। आज देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मींस क्या होता है। इसमें आपको क्या होता है, याद रखना, भविष्य में उस काम की कंप्लीट होने की सूचना मिलेगी। क्या मिलेगी? भविष्य में उस काम की कंप्लीट होने की सूचना मिलेगी। और हमें यह भी दिया होगा कि काम कब से स्टार्ट हुआ है। अपने ये कह सकते हैं साधारण शब्दों में, याद रखना, साधारण शब्दों में अपने ये कह सकते हैं कि इस टेंस में, साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि यह कह सकते हैं कि इस टेंस में कार्य शुरू होने का समय, कार्य शुरू होने का समय दिया गया होता है। आपको याद रखना होगा, इस टेंस में कार्य शुरू होने का समय दिया गया होता है और यह कल्पना की जाती है कि भविष्य में यह कार्य समाप्त हो जाएगा, यह कार्य पूरा हो जाएगा। देखो, लास्ट प्रकार के टेंसेज में हमने क्या किया था, चार प्रकार के टेंसेज किए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, चार प्रकार के वाक्य किए थे। इसमें भी वही चार प्रकार के वाक्य अपने करते हैं। देखो, पहला करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए उसमें क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना होगा सबसे पहले आपको। इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल या शैल में से कोई एक, प्लस में क्या ले रहे हैं अपने हैव, प्लस में क्या आ जाएगा बीन, प्लस में क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या आ जाएगा आईएनजी, प्लस में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा फॉर या सिंस, प्लस में क्या लगा देंगे अपने टाइम जो हमें मिलेगा वहां। ठीक है, दोबारा देखिए रूल अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, विल सेल में से कोई एक, प्लस हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर या सिंस, प्लस पे टाइम। जो भी नोटबुक आप यूज कर रहे हो उसमें साथ साथ लिखते जाइए। फिर देखिए नेक्स्ट पे नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं अपने। नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे अपने, उसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल में से कोई एक, प्लस में क्या लगा देंगे नोट, बस बाकी सारा क्या रहेगा सेम रहेगा। फिर क्या आ जाएगा, प्लस में हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या आ जाएगा आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आएगा फॉर या सिंस, प्लस में क्या यूज करेंगे अपने। देखो उसी रूल को मैंने चेंज कर दिया, मैंने क्या किया, सिर्फ तीन नंबर पे क्या लगाया नोट लगाया, बाकी अपना रूल क्या रहेगा सारा सेम रहेगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेल में से कोई एक, प्लस में नोट, प्लस हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर या सिंस में से कोई एक, प्लस टाइम। फॉर या सिंस का हम यूज कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा। फॉर का यूज कहां करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं, और सिंस का यूज कहां करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। फिर उसी तरह से देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कहेगा, देखो अफर्मेटिव का ही इंटरोगेटिव बनता है, जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, वो सब्जेक्ट क्या होता है बाद में आता है, बाकी रूल अपना क्या रहता है सारा सेम रहता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, विद सेल में से कोई एक, प्लस में क्या आएगा सब्जेक्ट, प्लस में क्या आएगा हैव। मैंने देखो क्या किया, विल सेल यहाँ पे था, मैंने पहले लिख लिया, सब्जेक्ट यहाँ था, मैंने बाद में लिख दिया, बाकी सारा रूल क्या रहेगा आप कॉपी कर दो, चाहे सेम रहेगा है प्लस बिन। तो इसमें रटना तो है ही नहीं, सिर्फ समझना है कि एक रूल से हम तीसरा रूल अपने आप बना सकते हैं, दूसरे रूल से चौथा जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप बन जाता है, प्लस बिन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आई एन जी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आएगा फोर या सिंस में से कोई एक, प्लस में क्या आ जाएगा टाइम। फिर हम क्या लगा देंगे, प्लस में
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखो क्या समझे हम, ये विल से पहले लगाना, फिर सब्जेक्ट। अब देखो विल से कब स्टार्ट करना है, जब क्या कब कहां ऐसे वर्ड हमें पहले दिए होंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, और ऐसे ही वर्ड क्या कौन कहां कब हमें बाद में दिए हो बीच के अंदर, तो हमें डब्ल्यूएच वर्ड पहले लगाना है। बाकी रूल हमारा सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अपने हर स्ट्रक्चर में ऐसी बात करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पे इंटरप्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, इंटरप्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखिए हम क्या करेंगे, इंटरप्रेटिव नेगेटिव में हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव सेंटेंस का रूल था अपना उसी स्ट्रक्चर को यहां यूज करना है। विल सेल पहले आएगा, प्लस में क्या आएगा सब्जेक्ट, प्लस में क्या आएगा नॉट, बाकी सारा सेम कॉपी हो जाएगा। प्लस में हैव, प्लस में बीन, प्लस में क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या आएगा आईएनजी, प्लस में क्या आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आएगा फॉर या सिंस में से कोई एक, प्लस में क्या आएगा टाइम, फिर क्या लगा देंगे हमने प्लस में क्वेश्चन मार्क। देखो सेम रूल चल रहा है, सबसे पहले विल सेल में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फॉर या सिंस आ जाएगा, फिर टाइम आ जाएगा, प्लस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वही स्टेप हेल्पिंग वर्ब पहले कब आएगी, जब क्या कौन कहां ऐसे वर्ड पहले आ रहे हैं और क्या कौन कहां सब वर्ड बीच में आ रहे हैं, तो अपने क्या करेंगे डब्ल्यूएच वर्ड पहले लगा देंगे। आप नोटबुक में इनको साथ साथ नोट करते जाइए, अपने साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। देखो अपने हम लेते हैं एग्जांपल, फर्स्ट मैंने बताया था इसके लास्ट में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अब इसकी बात करते हैं जिसके लास्ट में रहा ही होगी अंत में हमें, देखो याद रखना अंत में हमें रही होगी, से रही होगी, से रहा होगा, से रहे होंगे, ऐसे शब्द मिलते हैं तो किसको आइडेंटिफाई करवाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करवाते हैं। फिर देखिए जिसके लास्ट में हमें से रही होगी, से रहा होगा, से रहे होंगे, ऐसे शब्द मिल रहे हैं, हमें किसको बताते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करवाते हैं। तो मैंने लिखा फर्स्ट एग्जांपल, लड़कियां 2 घंटे से भोजन पका रही होंगी, अब देखो अकेला रही होंगी तो किसको बताता है, कंटिन्यूस को बताता है, लेकिन यहां पे से वर्ड दिया है, टाइम दिया है, तो से रही होगी ऐसा शब्द बताता है, किसको बताएगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताएगा। तो देखो इसका एग्जांपल करेंगे कैसे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा द गर्ल्स, फिर क्या हो जाएगा विल, फिर क्या चाहिए हैव, उसके बाद क्या चाहिए बीन, फिर क्या चाहिए कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, क्या पका रही है भोजन, तो फूड आ जाएगा, कब से 4 आवर्स। एक बार फिर देखिए फोर और सिंस का यूज कहां करते हैं, जहां आपको 2 आवर्स, 3 आवर्स, 6 डेज, 5 मंथ्स ऐसे शब्द आ रहे हैं वहां टू का सॉरी फोर का यूज करेंगे, और जहां हमें मॉर्निंग इवनिंग यस्टरडे ऐसे शब्द आ रहे हैं वहां किसका यूज करेंगे सिंस का यूज करेंगे। इसी प्रकार इसी एग्जाम्पल को मैं नेगेटिव बनाता हूं, देखो कैसे बनूंगा, लड़कियां 2 घंटे से भोजन नहीं पका रही होंगी, 2 घंटे से भोजन नहीं पका रही होंगी, ठीक है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, वही सेंटेंस है उसका नेगेटिव बना लिया हमने, अगर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे क्या लड़कियां 2 घंटे से भोजन पका रही होंगी, अगर मैं इंटरोगेटिव बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखो क्या लड़कियां 2 घंटे से भोजन पका रही होंगी, फिर क्या लगा देंगे अपने क्वेश्चन मार्क। देखो इन एक ही सेंटेंस को अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिख के उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आंसर्स बना सकते हैं, तो इसको अपने टाइप कर सकते हैं द गर्ल्स विल लगाया हमने, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे नॉट, तो क्या लिखेंगे द गर्ल्स, फिर आ जाएगा विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर क्या आ जाएगा बीन, फिर क्या लगा देंगे कुकिंग। देखो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट ऊपर वाले सेंटेंस को देख के लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये द गर्ल्स यहाँ पे क्या आएगा विल, फिर क्या आ जाएगा नोट, फिर क्या आ जाएगा हैव, फिर बीन कुकिंग, फिर क्या आएगा फूड, क्योंकि इसको सेम कॉपी ही तो करते होते हैं, फिर क्या आ जाएगा फोर, फिर टू, फिर आवर्स।
तो हमने क्या समझा कि एक ही स्टेप का यूज करके उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लड़कियां 2 घंटे से भोजन पका रही होंगी, इसका जो भी आंसर होगा और इसका जो नेगेटिव बनेगा आपको खुद बनाना है और हमें कॉमेंट में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।